अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी, जो मैंने काट के वॉश करके काट के रखी हूँ। मैंने 250 ग्राम भिंडी ली। उसके मसाले बताती हूँ आपको। ये है एक प्याज बड़ी साइज की, और दो हरी मिर्ची है जो मैंने छोटी छोटी काटी हूँ। ये एक टमाटर है। अब हम पैन रखेंगे गरम होने के लिए। इसमें मैं डालूंगी ऑयल, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची दोनों साथ में। इसे अच्छे से हम लोग लाल होने के लिए देंगे। प्याज हमारी हल्की हल्की लाल हो रही है। इसे अच्छे से ऊपर नीचे हिला के अब इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर। एक टमाटर है कटिंग करके रखी हूँ। तो बाकी के मसाले, नमक डाली हूँ 1 चम्मच, और बाकी के मसाले भी डालेंगे। ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अदरक लहसुन, ये भी हम डालेंगे इसी में साथ में ही। अभी हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, इसलिए हम भिंडी भी इसमें छोड़ेंगे। भिंडी का कलर भी देखो इतना अच्छा आया है। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के हम लोग इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे, और फ्लेम स्लो कर देंगे हम लोग। 5 मिनट हो गए, भिंडी भी हो गई तैयार। झटपट बनने वाली, फ्लेम हम बंद कर दिए क्योंकि हमारी भिंडी तैयार हो गई है। हमारी भिंडी कैसी लगी कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। झटपट तैयार होने वाली, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।